हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं अस्नीस कौर गुप्ता लर्नोफाई से आज के लेक्चर में एलिमिनेशन में जो मैंने पढ़ाया उसी का शॉर्ट ओवरव्यू आपको मैं देने वाला हूं। चलिए ध्यान से देखिएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके पीछे का जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि एक कहानी में ये लिविंग ग्रुप हेलोजन OH या कोई भी लिविंग ग्रुप सिस्टम से निकल सकता है, कार्बोकोडाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, बगल से प्रोटॉन निकल सकता है और फाइनली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरह के रिएक्शन को इवन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा, बेस के द्वारा पहले ही प्रोटॉन खींच लिया जाए और एट अ टाइम लिविंग ग्रुप सिस्टम से निकलता चला जाए, तो वाया ट्रांजिशन स्टेट हम जब एलिमिनेशन कराते हैं उसको बोलते हैं E2 रिएक्शन है। और तीसरा, पहले ही बेस प्रोटॉन खींच ले, उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाए और उसकी मौजूदगी में लिविंग ग्रुप निकल जाए और फाइनली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इवन सीवी रिएक्शन है। काम का कौन सा रिएक्शन है मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है, दिमाग में बैठाइएगा। चलिए अगर एक एक लेके चलते हैं और अगर बात करते हैं इवन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड, उसका जनरल एक रिएक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए, जनरल मैकेनिज्म आपके दिमाग में होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। कहानी में जो चेंजेस कर सकता है तो सबस्ट्रेट में कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकता है, रिएजेंट में कहाँ कहाँ चेंजेस कर सकता है, सॉल्वेंट में क्या चेंजेस हो सकता है, कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रोडक्ट बना सकता है, प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कहानी के अंदर क्या कोई रूल तो इन्वॉल्व नहीं है? अगर वो रूल इन्वॉल्व है तो क्या उस तरह का और भी रूल किसी और चैप्टर में भी इन्वॉल्व नहीं है? प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अगर रूल है तो क्या 100% वैलिड है या कहीं कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है? प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इस रिएक्शन के अंदर जो कि कार्बोकोडाइन का फॉर्मेशन है और कार्बोकोडाइन पर स्पेशल टेंडेंसी है रीअरेंजमेंट की, तो कहां कहां रीअरेंजमेंट होगा, कैसे कैसे रीअरेंजमेंट होगा, वो कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। कहां बच्चा फंस सकता है, कहां पर प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, वो क्लियरेंस आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इवन रिएक्शन अल्कोहल, तो इसकी क्या कहानी होती है, इसकी क्या सिमिलरिटी अल्काइल हैलाइड के साथ होती है, वो भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इसके अंदर के क्या क्या परमुटेशन कम्बिनेशन हो सकते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सही तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। क्या इसमें भी ये रूल इन्वॉल्व है या नहीं है? अगर है तो कहां पर होगा और कहां वॉयलेशन होगा, ये कहानी भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। इसके बाद क्या इसके अंदर कोई नेम रिएक्शन तो नहीं है अल्कोहल चैप्टर में, तो भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। और अगर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या बनता है, सब्स्टेट क्या क्या हो सकता है, ओके, इनके अंदर भी कोई अच्छा क्वेश्चन बनाने का तरीका है या नहीं है, कहाँ से बनाया जा सकता है। और अगर बनाया जा सकता है तो क्या सब्स्टेट हमेशा 1,2-diol होगा, ये इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ये प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ होगा तो उसको निकालने के लिए कौन सा एटम, एक ग्रुप ऑफ एटम या रिएजेंट डाला जाता है, वो प्रॉपर आना चाहिए। इनके क्या क्या नाम देते हैं वो सही तरीके से मालूम होना चाहिए। क्या कभी 6-मेंबर रिंग 7-मेंबर रिंग में जा सकती है या नहीं, क्लियर होना चाहिए। क्या CPM कभी रिअरेंज कर सकता है या नहीं, ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। जब E1 की कहानी खत्म हो जाती है तो E2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड, इसका एक जनरल रिएक्शन क्या है, इसके जनरल मैकेनिज्म क्या है, प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर से कहां कहां से क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या क्या परमुटेशन कम्बिनेशन लगा सकते हैं, वो सही तरीके से क्लियर होना चाहिए। मतलब E2 रिएक्शन में अगर मैं कहूँ कि क्या कार्बोकोडाइन का फॉर्मेशन है या नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए। और अगर कार्बोकोडाइन का फॉर्मेशन नहीं है तो कहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनाए सकते हैं, ये भी प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री बिना दिखाए क्वेश्चन पूछे, और कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाकर क्वेश्चन पूछे, तो हमारा क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम SN1, SN2, E1, E2 को सबको एक साथ मिलाकर सोचें कि कब कहानी में SN1 सोचना है, कब कहानी में SN2 सोचना है, कब कहानी में E1 सोचना है, कब कहानी में E2 सोचना है, अल्काइल हैलाइड के लिए क्या केस होना चाहिए और अल्कोहल के लिए क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो E1, E2 के अलावा क्या कोई और एलिमिनेशन है या नहीं है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर है तो उसकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये भी प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। और अगर है तो क्या इसका रिएक्शन कहीं देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर इवन सीबी की कहानी भी प्रॉपर तरीके से आ गई तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कार्बोकोडाइन बन के गया है, कार्बेनाइन बन के गया है या ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गया है। मतलब हम कैसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब इसके अलावा
अगर मैं लेस स्टेबल अल्कीन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ तो कैसे लेस स्टेबल अल्कीन बन सकता है, हमारे सिलेबस के इर्द गिर्द क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्या क्या परमिटेशन कन्वेंशन लगाकर नॉर्मल अच्छा हर तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो हॉफमैन एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो क्या केवल इन्हीं दोनों जगहों पे इसका रिएक्शन होगा, इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहां इसका रिएक्शन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो हमारे काम का कौन सा है और हमारे काम का कौन सा नहीं है, ये भी प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो तो हर तरह की चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन की बात करूँ तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में आए हुए हैं, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर पढ़ रहे हैं तो हर तरह का परमुटेशन कम्बिनेशन आपको मालूम होना चाहिए और सही तरीके से मालूम होना चाहिए। मतलब कंपटीशन में आपके पास क्वेश्चन भी होते हैं और आंसर भी होता है, लेकिन अगर सही अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में नहीं है मतलब फंस जाओगे। लेकिन सही अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, अब सही तरीके से अप्रोच करते हुए अपने आंसर को बता सकते हो। ठीक है, मेहनत करिए। कोटा में है केमिस्ट्री से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करने का हो तो आप चाहें तो मुझसे जुड़िए और हम आपकी कोशिश करेंगे केमिस्ट्री का डर हटा दें और केमिस्ट्री में आप अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर पाएँ। अगर आप कोटा के बाहर हैं और आप चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना तो प्रॉपर तरीके से जुड़िए, प्रॉपर हेल्प मिलेगी और आपका डर निकलेगा। गुड लक, गुड डे।